बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 8.3.2 लॉजिक बिहाइंड वन वे अनोवा। इन ऑर्डर टू टेस्ट पेयर ऑफ सैंपल मीन्स, हमने क्या टेस्ट करना है, पेयर ऑफ सैंपल मीन्स डिफर बाय मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस। जो उसका जो डिफरेंस है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस है बाय चांस से भी ज्यादा है। वी माइट कंडक्ट अ सीरीज ऑफ टी टेस्ट। हम कंडक्ट क्या कर सकते थे, सीरीज ऑफ टी टेस्ट ऑन के सैंपल मींस। हाउ दिस अप्रोच हैज अ मेजर प्रॉब्लम। इस अप्रोच में जिसमें बार बार टी टेस्ट यूज करते रहते हैं दो दो करके, मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी यूज अ टी टेस्ट वंस, जब हम एक टी टेस्ट वंस यूज कर लेते हैं, दिस द चांस ऑफ टाइप वन एरर। अगर याद हो आपको टाइप वन एरर का, क्या हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। दो तरह के होते हैं, और एक दो हमने एक्सेप्ट करना था लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ये टाइप वन और टाइप टू एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरर इज यूजली 5%। इसके मैग्नीट्यूड चांसेस मकदार कितनी होती है इस एरर की, 5%। By running two tests on the same data, we will have increased his chance of making error to 10%. अगर एक ही टेस्ट हम सेम डेटा पे अप्लाई करें तो ये जो चांस है 5% की बजाय ये डबल हो जाता है, 10% पे चला जाता है। मेजर प्रॉब्लम। फॉर द थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इट विल बी 15%। अगर तीसरी दफा से ट्रीट करेंगे तो ये 15% में चला जाएगा। इसी तरह सो ऑन, दीज आर अनएक्सेप्टेबल एरर्स। तकरीबन अगर ये 20वीं दफा चले जाते हैं तो वो 100% एरर्स पे चले जाते हैं। द नंबर ऑफ टी टेस्ट नीडेड टू कंपेयर ऑल पॉसिबल मीन्स वुड बी क्या, के इनटू के माइनस 1 ओवर 2। ये फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वेयर के क्या नंबर ऑफ मीन है। व्हेन मोर देन वन टी टेस्ट is run each at a specific level of significant such as aapke alpha ki value kya aati hai 0.05। the probability of making one or more type 1 error in a series of t tests is greater than alpha। the increased number of type 1 error is determined as 1 minus into 1 माइनस अल्फा पावर सी, वेयर अल्फा क्या कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है फॉर ईच सेपरेट टी टेस्ट। एक दफा जो टी टेस्ट आप यूज करते हो, और सी क्या है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। एंड अनोवा, एक अनोवा क्या कहते हैं कंट्रोल्स द चांस फॉर दीज एरर्स। अनोवा की सबसे बड़ी खूबी ये जो एरर, ये जो प्रॉब्लम, ये जो चीजें हैं, इसीलिए ये लॉजिक है बिहाइंड हम अनोवा क्यों यूज करते हैं। सो दैट द टाइप वन एरर रिमेंस एट 5% एंड रिसर्चर कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट। इससे क्या होता है कि जब आप अनोवा यूज करते हैं तो आपका जो टाइम वन एरर होता है वो कहाँ पे रिमेंस रहता है, एट 5%, और रिसर्चर का जो होता है वो मोर कॉन्फिडेंस हो जाता है किसके ऊपर, जो उसने स्टडी की होती है, जो उसके रिजल्ट होते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट 8.3.2।